नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यात्रा द ट्रिप में। मैं हूं आपका होस्ट सुशील सिंह। आज मैं आपको ले चलूंगा तिरुवनंतपुरम के जू, जो कि एक बहुत ही बड़ा जू है। यहां की हरियाली को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहां की सुंदरता और इसकी भव्यता अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। जू काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, इसलिए हमने यह डिसाइड किया कि हम जू की यात्रा बैटरी कार के द्वारा करेंगे। बैटरी कार के द्वारा जू की संपूर्ण यात्रा करने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, ऐसा हमें हमारे बैटरी कार के ड्राइवर ने बताया है। यहाँ पर जू की यात्रा करने के लिए टाइम स्लॉट निर्धारित है। जैसे ही हमारा यात्रा करने का टाइम स्लॉट होगा, हम जू की विजिट स्टार्ट करेंगे। यह जू 55 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल जू है। हमें दिया गया टाइम स्लॉट अब शुरू होने वाला है। थोड़ी ही देर में हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ये हमारे जू की यात्रा शुरू हो गई है। हम यात्रा में खूब मजे करेंगे। हाँ तेजस, हम मजे भी करेंगे और तो और हम पशु पक्षी व जानवरों के बारे में भी जानेंगे। दीदी, ये कैसा अजीब सा जानवर है? किधर? हमारे लेफ्ट साइड। मुझे यह दिखाई नहीं दे रहा। अरे हाँ, मुझे दिखाई दे गया। यह तो मकाक बंदर है। ये शेर के मुंह जैसा बंदर मकाक एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, जो नॉर्थ इंडिया के पश्चिमी घाटों पर पाया जाता है। इस बंदर की गर्दन पर शेर जैसे बड़े बड़े बाल हैं और उसकी पूंछ भी वैसी ही है। चलो दीदी, नीचे कोबरा देखने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। लेकिन हाँ, हमें उससे बचकर रहना होगा, लेकिन बहुत मजा आएगा। हाँ क्यों नहीं, चलो चले और खूब मजे करते हैं। दीदी दीदी, ये कोबरा किधर है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। अरे भीड़ भी तो है, अभी देखो, अभी ढूंढते हैं। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो, अभी तो ये दिख ही नहीं रहा, कहीं छुप के बैठा होगा। चलो उस तरफ से देखें। हाँ चलो। यह तो दिख ही नहीं रहा, लगता है हमें अच्छे से ढूंढना होगा, तभी हमें यह देखने को मिलेगा। हाँ देखो देखो, मुझे उधर देखने को मिला। दीदी अभी मैं भी आ रहा हूँ। तेजस, क्या तुम्हें कोबरा के बारे में कुछ मालूम है? हाँ दीदी, यह बहुत जहरीला और लंबा होता है। ओ दीदी, ये तो कितना बड़ा है। हाँ, और तुमने जानकारी भी बढ़िया दी। दीदी दीदी, यहाँ पे तो बहुत मजा आ रहा है, चलो आगे चल के और पशु पक्षी देखते हैं। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, आगे के सफर में हमें और कई पशु पक्षी मिलेंगे और हम उन्हें देख के मजे करेंगे। अरे देखो, पता है इसमें कई सारे पशु पक्षी हैं। इसमें हमें कई प्रकार की बर्ड मिलेंगी, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम रुके तो हमें बहुत समय लग जाएगा। हाँ दीदी, आप ठीक कह रहे हो। दीदी दीदी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं। हाँ तेजस, बिल्कुल, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही कि कौन सी बर्ड कौन सी है। देखो यहाँ तो कई प्रकार की बर्ड्स हैं, जैसे कि बगुला और तोते और भी कई अन्य प्रकार की चिड़िया हैं यहाँ। चलो दीदी अब आगे चलते हैं। हाँ चलो। दीदी देखो,
मुझे कुछ तालाब में दिख रहा है। हाँ तेजस, क्या तुम्हें पता है यह एक एलिगेटर है और यह क्रोकोडाइल की तरह ही होता है। यह कई सारी स्पीशीज हैं इसकी और उनमें से कुछ अमेरिकन और चाइनीज हैं। ये ज्यादातर कछुए और मच्छी खाना पसंद करते हैं। वाओ दीदी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ओ दीदी, ये तो बैट है। हाँ तेजस, बिल्कुल सही। इसको हिंदी में हम चमगादड़ बोलते हैं। पता है, अगर ये एक बार किसी से भी चुपक गया तो आसानी से छूटने का नहीं है। यह उस प्राणी का खून चूस लेता है। दीदी चलो चलो यहाँ से। दोस्तों, एक बार फिर बैटरी कार में सवार होकर हम आगे के लिए चल दिए। अभी आगे एक गुफा सी दिखाई दे रही है। चलिए हम भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि आगे हमें कौन सा जानवर या पशु पक्षी दिखाई देता है। दीदी दीदी चलो आगे चलते हैं। ओ दीदी, ये तो एलिगेटर लग रहा है। क्या एलिगेटर? अरे नहीं नहीं, ये तो क्रोकोडाइल है। वो ही खूंखार क्रोकोडाइल, उसके बारे में तो तुम्हें पता ही है ना? हाँ दीदी, ये बहुत डेंजरस होता है। ये अपने शिकार पर झपट पड़ता है। ओ दीदी दीदी, ये तो भालू लग रहा है। बिल्कुल सही, ये भालू ही है। और पता है, ये मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी। दीदी दीदी, ये तो हिप्पोपोटामस है। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती। हाँ, लेकिन चलो मम्मा से पूछते हैं। मम्मा मम्मा मम्मा, कुछ बताओ ना। किसके बारे में? इसी हिप्पोपोटामस के बारे में। अच्छा, हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा, जिसे जलीय घोड़ा भी कहते हैं। ये एक विशाल और गोल मटोल प्राणी है जो अफ्रीका का मूल निवासी है। दरियाई घोड़े के नाम के साथ घोड़ा शब्द जुड़ा है और हिप्पोपोटामस शब्द का अर्थ वाटर हॉर्स भी होता है, यानी जल का घोड़ा। लेकिन उसका घोड़ों से कोई संबंध नहीं है। मम्मा, ये तो हमें पता ही नहीं था। अब मैं तुम्हें गेंडे यानी राइनोसोरस के बारे में बताती हूँ। ये एक बड़ा ही विचित्र प्राणी है जिसकी नाक पर सींग होता है। राइनोसोरस एक स्तनधारी जीव है जो हाथी के बाद सबसे बड़ा और भारी जानवर होता है। पूरी धरती पर 5 करोड़ साल से ये मौजूद है। मम्मा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें हिरण के बारे में भी बता दो प्लीज। बेटा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी स्तनधारी जीवों में हिरण की आंखें सबसे बड़ी होती हैं और बेहद खूबसूरत भी। हिरण विश्व के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। क्या तुम्हें पता है, हिरण में कूदने की गजब की कला होती है और यह एक कूद में 10 फीट की दूरी तय कर सकते हैं। हिरण की सुनने की शक्ति भी गजब की होती है और यह कम से कम आहट को भी सुन लेते हैं, जो इंसानों के बस की बात नहीं है। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि जन्म के कुछ समय बाद ही हिरण का बच्चा उठकर चलने लग जाता है। दीदी ये क्या है? ये तो मुझे भैंस लग रही है। अरे यह भैंस नहीं, यह तो गाय है और वो भी अफ्रीकन गाय। अफ्रीकन गाय भी होती है। हाँ बिल्कुल, चलो आगे चलें। आगे की तरफ बढ़ने पर हमें और कई प्रकार के देसी विदेशी पशु पक्षी देखने को मिले। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हमें बहुत सारी अफ्रीकन गाय देखने को मिली। दीदी देखो, ये तो वही हिरण है जो हमने देखा था, है ना? नहीं, ये बारहसिंघा है। यह ज्यादातर भारत में पाया जाता है
और इसका नाम भी इसके सींगों से ही पड़ा है, बारहसिंग वाला बारहसिंगा। अच्छा दीदी। हाँ, ये सफेद रंग का भी होता है, देखो। इसे हम इंग्लिश में स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। दीदी देखो देखो, ये कितने सारे हिरनों का झुंड आ गया। हाँ, इसमें सिर्फ हिरन नहीं, इसमें बारहसिंगा और हिरन दोनों है, ये दोनों का ही झुंड है। दीदी चलो आगे चलो, मुझे कुछ नया देखना है। दीदी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने डंकी के ऊपर पेंटिंग कर दी हो। अरे नहीं, ये तो ज़ेब्रा है। मैं तो मजाक कर रहा था। ये कुछ ऐसा लगता भी है, क्योंकि डोंकी की फैमिली को ही तो बिलोंग करता है। दीदी ये तो लेपर्ड है ना? हाँ, इसे हिंदी में हम तेंदुआ भी बोलते हैं। ये बड़ी बिल्ली की प्रजाति को बिलोंग करता है। बड़ी बिल्ली की प्रजाति? हाँ, क्या तुमने देखा नहीं, इसकी भी बिल्ली जैसी मूंछें हैं। देखो देखो। अरे हाँ, लायन और टाइगर जैसे जीव जंतु भी इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। दीदी क्या हमें यहाँ पर लायन और टाइगर देखने को भी मिलेगा? हाँ, हो सकता है मिले। अरे वाइल्ड टाइगर, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस कलर के टाइगर भी होते हैं। हाँ तेजस, हम इन्हें ब्लीच टाइगर भी कहते हैं, क्योंकि ये व्हाइट होते हैं। ये पोल्स पे भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये ठंड को सहन कर सकते हैं। दीदी आप तो ठीक कह रहे थे, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ और बता सकते हो? हाँ, ये टाइगर है, इसको हम हिंदी में बाघ बोलते हैं। यह जंगल में रहने वाला मांसाहारी पशु है। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है। यह तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाया जाता है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। इसके शरीर का रंग लाल और पीला का मिश्रण है। इस पर काले रंग की धारियां भी पाई जाती हैं। बाघ 13 फीट लंबा होता है और 300 किलो वजनी हो सकता है। यह ज्यादातर दलदली इलाकों में रहना पसंद करता है और यह जंगल और घास के मैदानों में भी रहता है। इसका मुख्य आहार सांभर, जंगली सुअर, चीतल, हिरण, गौर और भैंसे होती हैं। दीदी सांभर, इसका मतलब तो फिर ये रसम भी खाता होगा। अरे नहीं, ये वो वाला सांभर नहीं है, ये तो हिरण वाला सांभर है, जो कि एक जानवर है। तेजस, क्या तुम्हें पता है ये हमारे देश का नेशनल एनिमल है? हाँ दीदी, और ये हमें स्कूल में भी पढ़ाया गया है। बिल्कुल सही तेजस। यहाँ कई सारे पिंजरे हैं जिनमें की टाइगर्स को रखा गया है। एक पिंजरे में केवल एक टाइगर को ही रखा गया है। क्या आपको पता है कि हम शेर को जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन वो जंगल में नहीं रहता। वो सबसे ज्यादा एक्टिव रात के समय ही होता है। एक शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। वह एक दिन में 20 घंटे तक सोते हैं। एक शेर 81 किलोमीटर पर आर की स्पीड तक दौड़ सकता है। ये जानवर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह गिलहरी की 280 स्पीशीज में से एक है। गिलहरियां बहुत ही तीव्र बुद्धि की होती हैं। एक गिलहरी का आगे का दांत कभी ग्रो करना बंद नहीं करता। यह ज्यादातर फ्रूट्स, नट्स और बीज खाती हैं। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है।
परंतु पक्षी होने के बावजूद भी वह उड़ नहीं सकता। इसके 3 पेट होते हैं और पैरों में मात्र 2 उंगलियां। दुनिया में सबसे बड़ी आंखें शुतुरमुर्ग की होती हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो की यात्रा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर यह जरूर बताइएगा कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए आपके हॉस्ट का आपको नमस्कार, और अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।